तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्वीट फिनिश लेमिनेट के बारे में, जिसे हम SF लेमिनेट भी कहा जाता है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं कैटलॉग के अंदर, ये स्वीट फिनिश लेमिनेट्स की ही वेराइटीज़ है, स्वीट फिनिश लेमिनेट्स की ही डिज़ाइन है दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके सरफेस के बारे में। तो इसका जो सरफेस होता है दोस्तों, कुछ ग्रेन स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। आप जैसे कि जूम करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ ग्रेनी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, कुछ दाने दाने इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है स्वीट फिनिश लेमिनेट के ऊपर दोस्तों। और बात करें इसके वेरियस डिज़ाइंस की, तो ये आपको वेरियस डिज़ाइंस के में आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी वेराइटीज़, काफ़ी सारे ऑप्शंस में आपको ये मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाती है। और लो रेंज की भी होती है, अफोर्डेबल भी होती है, और बाकी जो लेमिनेट के फिनिशेस के कंपैरिजन में ये काफ़ी लो रेंज की होती है। वुडन डिज़ाइंस की भी आपको लेमिनेट देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, आपको ये सॉलिड कलर्स की लेमिनेट भी आपको देखने को मिल जाती है, और काफ़ी सारी डिज़ाइंस की लेमिनेट स्वीट फिनिश लेमिनेट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसके ऊपर मोबाइल की टॉर्च की लाइट चला के बताऊँगा, तो अब हम इसके ऊपर मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर देखते हैं और जानेंगे कि ये कैसा रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो लेमिनेट है, स्वीट फिनिश लेमिनेट के ऊपर आपको दाने दाने देखने को मिल रहे हैं, और आप काफी अच्छे से नोटिस हो रहे होंगे, वो जो ग्रेनी स्ट्रक्चर से आपको इजीली देखने को मिल रहे होंगे इसके ऊपर, है ना दोस्तों। ये जो दाने दिख रहे हैं ना, तो इसी से हम क्या है स्वीट फिनिश लेमिनेट को आइडेंटिफाई करते हैं इस ग्रेनी स्ट्रक्चर से ही दोस्तों। और दोस्तों बात करें इसकी लाइट रिफ्लेक्शन की, तो ये भी अच्छी खासी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, ये जो लाइटिंग कंडीशन रूम के अंदर ही बना रहा हूँ, मैं कोई बाहर नहीं बना रहा हूँ, नेचुरल लाइट में इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। दो लाइट्स भी यहाँ लग रही है, उसके बाद ये मोबाइल की टॉर्च लाइट है, तीन लाइट है मतलब। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके ऊपर लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो किस प्रकार से आ रहा है। और दोस्तों अब लाइट के बाद हम इसके ऊपर स्क्रैच टेस्ट करके देखेंगे कि इसका स्क्रैच का इम्पैक्ट कैसे इस लेमिनेट के ऊपर पड़ता है। तो मैं इस इक्विपमेंट की मदद से स्क्रैच करके इसके ऊपर आपको मैं बताऊंगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि स्वीट फिनिश लेमिनेट के ऊपर स्क्रैचेस का क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो डार्क लेमिनेट के ऊपर मैं करूंगा, जिससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो ये सबसे पहले मैंने आराम से इसके ऊपर स्क्रैच किया, तो हमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, आप देख सकते हैं आराम से कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी ज़ोर से करता हूँ, जूम कर बता सकते हैं कैमरामैन, मैं थोड़ी ज़्यादा ही ज़ोर से कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही, तब जाके आपको यहाँ पर स्क्रैच का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ना दोस्तों। जी हाँ, ये स्क्रैच में जब मैंने करा, ज़्यादा ही ज़ोर से करा है, तब ये स्क्रैच आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही करता हूँ ऐसे ही, तब भी मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा आपको स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा। और किसी दूसरी लेमिनेट के ऊपर करते हैं हम, जैसे कि या इस लेवल लेमिनेट के ऊपर करेंगे, तो इस वाली लेमिनेट के ऊपर कलर के ऊपर भी आपको फ़र्क पड़ता है कि कौन सा कलर है और उसके ऊपर कौन सा स्क्रैच है। तो इसके ऊपर मैं काफ़ी तेज करूँगा, तो आपको स्क्रैचेस देखने को मिल रहे होंगे। शायद वाइट के कलर के हिसाब से आपको स्क्रैच देखने को नहीं मिल रहे, तो इस पे करते हैं हम, इसके ऊपर करते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रैचेस तो, और यार आप इतनी ज़ोर से स्क्रैच करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर स्क्रैच देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ से थोड़े बहुत स्क्रैचेस है तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब हमें क्या पता चला कि स्वीट फिनिश लेमिनेट के ऊपर लाइट भी मॉडरेटली रिफ्लेक्ट करती है, और जो स्क्रैचेज होते हैं वो भी आसानी से नहीं होते हैं, अगर होते भी है तो वो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि स्वीट फिनिश लेमिनेट या फिर SF लेमिनेट को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो SF लेमिनेट होती है, ये वर्सटाइल लेमिनेट होती है, इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आप इसे सिर्फ वार्ड्रोब में यूज़ कर सकते हैं या फिर किचन्स में यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ये वर्सटाइल है भैया, इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि आप इसे यहीं पर यूज़ करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और दोस्तों उन भाइयों को शेयर तो ज़रूर करना जिन भाइयों को इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। जो भाई लोग फर्नीचर का काम करते हैं या फिर जो डीलर से, शॉप डीलर से, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, तो उन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।